अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराह खुशबू है। मेरी क्वालिफिकेशन में मैंने बीएड किया हुआ स्पेशल एजुकेशन में, देन मैंने रिसेंटली एमएड किया था ऑन सेकेंडरी लेवल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी आईईआर डिपार्टमेंट, डेट इज़ इक्वल टू एमए एजुकेशन। अभी मैं आज आपको जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी आपके साथ, नाइन्थ क्लास की इस्लामियात का सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। नाइन्थ क्लास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले ही जो है ये सिर्फ नाइन्थ क्लास में थी, लेकिन अब इस कोर्स को डिवाइड कर दिया गया है। हाफ कोर्स इसका जो है इस्लामियात का और मुतालिया पाकिस्तान का, हाफ कोर्स इसका नाइन्थ क्लास में और हाफ कोर्स इसका टेंथ क्लास में पढ़ाया जाएगा। जितना सिलेबस हम नाइन्थ क्लास में इसका पढ़ेंगे, मैं आज आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, कम्प्लीट इंट्रोडक्शन। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कुरान मजीद से जो पोर्शन स्टार्ट किया गया है, जो शामिल किया गया है पोर्शन, उसमें हमारे पास कुरान पाक की सूरत नंबर 8 है, सूरह अनफाल। सूरह अनफाल हमारे पास इसमें शामिल है। सूरह अनफाल की टोटल आयात जो है वो 75 आयात है उसकी। ये हमने 175 आयात का विद तर्जमा हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और इंशाल्लाह मैं इसको आपको थ्रू आउट इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, क्या ये हालात व वाक़ियात है, किससे रिलेटेड है, क्या इसमें मौजूआत हैं, क्या इनमें वाक़ियात हैं, और किस बेस पे जो है ये आय जो ये सूरह मुबारक जो है वो नाजिल की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें जो शामिल होगा वो अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होंगे। उनमें हमारे पास टोटल अहदीस जो थी वो 20 अहदीस थी। 20 अहदीस में से हमारे पास जो शामिल नाइन्थ क्लास के कोर्स में हैं वो 10 अहदीस हैं, उनका जो हम लोग जो है मुतालिया करेंगे। ये हमारे पास नाइन्थ क्लास के कोर्स में हमारे पास जो शामिल है वो 10 अहदीस जो है वो शामिल होंगी। ये हमारा सवाल नंबर आप कह लें कि 2 बनता है। सवाल नंबर 3 जो हमारे पास शामिल है वो है मौजूआती मुतालियात हैं। उनमें हमारे पास जो टोटल बाब थे वो हमारे पास टोटल बाब 1 से लेकर 9 तक थे, जिनको हम अब नाइन्थ क्लास में जितना पढ़ेंगे वो है 1 से लेकर 4 तक। उसमें हमारे पास बाब 1 से 4 शामिल होगा, 1 से 4। इसके टॉपिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके टॉपिक्स हैं हमारे पास कुरान मजीद का तारुफ, उसके हिफाजत और फजाइल से रिलेटेड। पहला जो इसमें टॉपिक होगा हमारे पास पहले जो हमारे पास इसमें पोर्शन था उसमें तारुफ, कुरान मजीद की हिफाजत, तारुफ और फजाइल शामिल है। दूसरा इसका टॉपिक होगा अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और उनकी मोहब्बत से रिलेटेड। ओके, तारुफ और फजाइल ये फर्स्ट टॉपिक है इसका ना। अब यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, मैं आपको यहाँ पर रेस करके जो है नेक्स्ट इसके जो 3 टॉपिक्स हैं वो लिख देती हूँ। इसको यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसका टॉपिक 1 था, टॉपिक 2 इसका जो है इसका है अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और मोहब्बत।
टॉपिक नंबर 3 इसका जो होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, इलम की फजीलत और फर्जियत, यानी इलम को आप पर किस लिए फर्ज किया गया और उसकी फजीलत क्या है। लास्ट में है हमारे पास ज़ुकात की फ़र्जियत, उसके औसाफ और उसकी अहमियत और उसके मुतारिफ जो है, ये लास्ट टॉपिक यानी 4th टॉपिक जो हमारे पास है। ज़ुकात की अहमियत, उसका तारुफ और मुसारिफ, फर्जियत और तारुफ, इसका 4th और लास्ट टॉपिक है फर्जियत, यानी फर्ज की गई है आप पर कब और किस सूरत में, उसकी अहमियत और मुसारिफ, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है सारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास पोर्शन होगा वो कुरान मजीद से लिया गया होगा, जिसमें हमारे पास कुरान पाक की सूरत अनफाल जो है वो शामिल की जाएगी। 8 नंबर है इसका कुरान पाक में, इसकी 1 से लेके 75 तक आयात हैं। हम 75 की 75 आयात जो है इसमें स्टडी करेंगे इसकी। दूसरे नंबर पर हमारे पास अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि 1 से लेके 20 तक थी, जिसमें हमारे पास जो डिवाइड कर दिया गया है 1 से लेके 10 तक आयात हम जो है वो 9th क्लास में रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है मौजूदाती मुतालियात हैं। मौजूदाती मुतालियात की मैंने तादाद आपको बताई थी 1 से 4 जो है इनके जो है मुतालियात की जो तादाद है, जिसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स होंगे। 4 टॉपिक्स में हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो हम रीड करेंगे उसमें है कुरान मजीद की हिफाजत, तारुफ और उसके फजाइल। कुरान मजीद को किस तरह से जो है आप रीड करेंगे, किस तरह से उसको पढ़ेंगे, उसका तारुफ क्या है, उसकी जो फजाइल क्या है, क्या उसकी अहमियत है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर पर है अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और मोहब्बत। 3rd नंबर पर है इलम की फर्जियत और फजीलत, इलम की अहमियत। 4th नंबर पर है ज़ुकात की फर्जियत, अहमियत और मुसारिफ। ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास टोटल इसका कोर्स है, कंप्लीट कोर्स जो 9th क्लास में हम इसका स्टडी करेंगे वो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इसके पेपर पैटर्न के मुतालिक बताऊंगी, किस तरह से पेपर में मार्किंग इसकी की जाएगी, किस तरह से नंबरिंग आएगी, क्या पैटर्न होगा, वो सब कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्चर में डिस्कस करेंगे।